गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू संस्कृत सब्जेक्ट। आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थानम आज हम देखेंगे। वल्लभी विद्यास्थानम का मतलब होता है वल्लभी द पैलेस ऑफ लर्निंग। अब वल्लभी विद्यास्थान जो है इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पर आपको ऋषि परंपरा, हम सब ने देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा होगा या कहीं पे भी आपने जो बुक्स है, पुरानी बुक्स होती है, जो धर्म की बुक्स होती है उसमें पढ़ा होगा, या कहीं पे भी आपने कोई सीरियल्स में जो गॉड्स रिलेटिव होती है वो रिलेटेड होती है, उस सीरियल में आपने देखा होगा कि पहले के समय में ऋषि परंपरा में भारत देश में जो विद्या और आध्यात्मिकता का प्रचार है वो काफ़ी हुआ था, और उसके अंदर प्राचीन भारत के अनेक नगर बहुत सारे नगरों में बड़े बड़े राजाओं द्वारा उनका जो राज्य था, राज्य और राजाओं के द्वारा विद्या के मंदिरों का स्थापन किया गया था और निर्माण किया गया था, और इस विद्या स्थानों में देश और प्रदेश से, यानी देश और विदेश से काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आते थे, और वहाँ पर पढ़ने पर वो खुद को धन्य मानते थे, लक्की मानते थे कि उन्होंने एक ऐसी विश्वविद्यालय से विद्या को प्राप्त किया है जो काफ़ी फेमस है, और इसी के बारे में प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। ऐसी ही एक विश्वविद्यालय हमारे इंडिया में भी है जिनका नाम है वल्लभी विद्यापीठ, ठीक है। तो उसी का परिचय हम आज इस लेसन में देखेंगे। अब पहली लाइन है उसकी, संप्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति, यानी कि संप्रति यानी अभी का समय जो है उसी में विविधा, यानी कि विविधा का मतलब होता है कि विविध यानी अनेक, विविध डिफरेंट टाइप, और संप्रति यानी कि नाउ, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, सुप्रसिद्ध यानी वेरी फेमस, और विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर कहा गया है कि नाउ देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ दैट आर वेरी फेमस, यानी कि कहा गया है, हिंदी में आप देखो तो उसमें कहा गया है कि अभी अनेक प्रकार की विश्वविद्यालय जो है वो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। आगे की लाइन है, तेषु केचन एतादृशा सन्ति यत्र अध्ययनार्थ प्रवेशं प्राप्य छात्रः स्व आत्मानं धन्यं मन्यते, यानी कि तेषु यानी उसमें, केचन का मतलब होता है कितने, एतादृशा यानी ऐसे, यत्र यानी यहाँ पर, अध्ययनार्थे यानी having studying यानी for studying, अब प्राप्य यानी प्राप्त होना, प्राप्त करना, छात्र यानी students, स्व आत्मानम यानी कि कह सकते हैं कि खुद को, स्व आत्मानम यानी खुद को, टू हिमसेल्फ, धन्यम मन्यते, धन्यम यानी कि लक्की, मन्यते यानी कि मानना। तो यहाँ पर लाइन में होता है कुछ इस तरह से कि केचन का मतलब होता है सम, एतादृश का मतलब होता है लाइक, संति का मतलब होता है आर, अध्ययनार्थम यानी कि फॉर स्टडिंग, प्राप्य यानी हैविंग ऑब्टेंड,
यानी यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है स्व आत्मानम का मतलब होता है टू हिमसेल्फ। तो ट्रांसलेशन जो है वो इस तरह से होगा कि अमोंग देम देयर आर सच दैट अ स्टूडेंट कंसिडर्स हिमसेल्फ लकी इफ ही गेट्स एडमिशन टू स्टडी देयर। आगे की लाइन है एवमेव पुरा काले अपि अस्माकं भारत देशे एतादृशा बहव विश्वविद्यालयाः आसन। एवमेव एवमेव यानी इसी तरह से, एवमेव यानी इसी तरह से। उसके बाद है पुरा काले अपि, पुरा काले यानी कि प्राचीन समय में, पुरा काले इन ओल्ड टाइम्स, भारत देशे यानी कि अस्माकं भारत देशे, अस्माकं अस्माकं का मतलब होता है हमारा, अस्माकं का मतलब होता है कि हमारा। अब आगे भारत देशे यानी इंडिया, एतादृशा बहव, एतादृशा, एतादृशा का जो मतलब होता है वो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ऐसे। उसके बाद है बहव यानी बहुत सारे विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज, आसन यानी कि थे। तो जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से होगा एग्जैक्टली इन द सेम वे इन द पास्ट ऑल्सो देयर वेर सच अ यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री इंडिया। यानी कि यहाँ पर हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ, इसी तरह से प्राचीन समय में हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। आगे तत्र विद्याध्ययनाय दूरदेशात समागत्य प्रवेशम लब्ध्वा छात्राः स्व आत्मानं धन्यं मन्यते स्म। यानी कि तत्र यानी वहाँ पर विद्याध्ययनाय यानी कि विद्या अध्ययनाय, विद्या का अध्ययन लेने के लिए, दूरात यानी दूर से, देशात यानी दूर देश से, समागत्य आना, आकर, प्रवेशम यानी प्रवेश लेना, लब्ध्वा आकर, प्रवेश को पाकर, छात्राः यानी स्टूडेंट्स, स्व आत्मानम, स्व आत्मानम यानी कि टू हिमसेल्फ, धन्यम मन्यते, धन्यम यानी कि लक्की, मन्यते यानी मानते थे। तो ट्रांसलेशन होता है कि स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज यूज्ड टू कंसीडर हिमसेल्फ्स ब्लेस्ड हैविंग सिक्योर्ड एडमिशन देयर। यानी कि अभी मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि वहाँ पर विद्याभ्यास के लिए दूर देश में से आकर प्रवेश लेकर विद्यार्थी जो है वो अपने आप को धन्य मानते थे। एषु एकतमं वल्लभी विश्वविद्यालयः, एषु यानी कि एषु इस सब में एक ही, इस सब में एक, एकतम यानी इस, एषु का मतलब होता है इसमें, एकतम एक ही वल्लभी विश्वविद्यालय, तो उसमें वल्लभी विश्वविद्यालय एक था यानी इस सब में विश्वविद्यालय जो था वो एक था। अमोंग दिस वन वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी यानी इतने सारे यूनिवर्सिटी में वल्लभी विद्यापीठ जो था वो भी उसमें से एक था। आगे का ट्रांसलेशन है मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत
तथेव अत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत। यानी कि कहना चाहेंगे कि मगध राज्य, यानी जो राज्य था मगध, हाँ जो मगध राज्य में जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, नालंदा आसीत यानी नालंदा है, तथेव वैसे ही अत्र यानी यहाँ गुर्जर प्रदेश यानी कि गुजरात में वल्लभी आसीत यानी वल्लभी विद्यापीठ है। जैसे मगध राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी है वैसे ही गुर्जर देश में यानी गुजरात में वल्लभी विद्यापीठ है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा एज देयर वॉज नालंदा इन द किंगडम ऑफ मगध, सिमिलरी हियर इन गुजरात देयर वॉज वल्लभी। अत्रापि सुदूरात देशात जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म। यानी कि अत्रापि यानी यहाँ पर भी, सुदूरात देशात यानी दूर देश में से, जनाः यानी पीपल, अध्ययनाय यानी अध्ययन के लिए आने वाले, आगच्छन्ति यानी आने वाले यानी आते थे। अब उसका जो ट्रांसलेशन है वो होता है कि आगच्छन्ति यानी कि कम, यहाँ पर ट्रांसलेशन देखो होता है कि हियर ऑल्सो पीपल यूज्ड टू कम फॉर स्टडी। अद्यत्वे गुर्जर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लभी नामक यदेकम उपनगरम वर्तते, तत्रेव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अद्यत्वे का मतलब होता है कि अभी हाल के समय में, तत्काल समय में, जो अभी समय चल रहा है उसी समय में अस्मदीये यानी अपने यहाँ पर गुर्जर प्रदेशे यानी गुजरात देश में वर्तमान में यानी कि अभी के जो समय चल रहा है वो समय में, वर्तमान समय में भावनगरे यानी कि भावनगर में जनपदे, भावनगर के जिले में, जिले में वल्लभी नामक यानी वल्लभी नाम का एक यदेकम यानी एक उपनगर वर्तते यानी एक उपनगर था, तत्रेव वहाँ पर और वहीं पर प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था, वहाँ पर प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था। तो कह सकते हैं कि अस्मदीय का जो मतलब होता है अस्मदीय, अदर सच एडजेक्ट। अब यहाँ पर आपको अस्मदीय का मतलब तो मस्क्यूलाइन बताया है, लोकेटिव। अब यहाँ पे देखो तो अस्मदीय का मतलब यहाँ पर अपना होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है कि एट प्रेजेंट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट विच इज इन अवर गुजरात स्टेट देयर इज वन सुपर्ब बाय द नेम वल्लभी वेयर इन एशियंट टाइम देयर वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पैराग्राफ है वस्तुतस्तु इदम् उपनगरम् प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम् आसीत। यानी कि वस्तुतस्तु
अब वस्तु तस्तु का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये देखो, वस्तु तस्तु यानी कि जो है वो, यानी सच में। इदम, इदम का मतलब होता है ये। प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल के समय से। अध्ययन अध्यापनस्य यानी अध्ययन और अध्यापन का कार्य, यानी पढ़ना और पढ़ाने का कार्य। केंद्रम आसीत यानी कि केंद्र में रहता था, यानी उस पर ही फोकस रहता था। तो जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वस्तु तस्तु यानी कि एक्चुअली, बट एक्चुअली प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन काल में, प्राचीन के समय में, फ्रॉम द एंसिएंट टाइम। अध्ययन अध्यापनस्य यानी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। पूर्वम, अर्लियर। अब यहाँ पर देखो ट्रांसलेशन होता है, एक्चुअली दिस सुपर्ब वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम द एंसिएंट टाइम, इन एंसिएंट टाइम। अब आगे की लाइन है, पूर्वमत्र अष्टादश विद्यायाः पठनम पाठनम च भवति स्म। पूर्वम, पूर्वम का मतलब होता है कि अर्लियर, अष्टादश विद्यानाम यानी कि अष्टादिश विद्यानाम, आठ, अष्टा यानी आठ, अष्टादश आठ और दश यानी कितने हुए, अठारह, अठारह यानी अठारह विद्याओं का ज्ञान, यानी अष्टा दस हो गया, अठारह विद्याओं का जो स्थान है वो पठनम पाठनम, पढ़ने का और पढ़ाने का। पठनम पाठनम यानी पढ़ना और पढ़ाना। च भवति स्म, वहाँ पर होता था। तो ट्रांसलेशन उसका है कि यहाँ पर 18 विद्याओं का पठन और पाठन होता था, यानी पढ़ना और पढ़ाने का काम होता था। तो ट्रांसलेशन इसका है कि इन द पास्ट ईयर द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ 18 विद्याज यूज्ड टू टेक पैलेस। एतासु विद्यासु चत्वारो वेदा षट वेदांगानि, पुराणम, न्यायः, मीमांसा, स्मृतिः, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गंधर्ववेदः, अथर्ववेदा, चत्वार उपवेदा च समाविष्टाः सन्ति। अब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वर्ड टू वर्ड देखेंगे कि एतासु विद्यासु चत्वारो वेदा, और इस विद्याओं में चार वेद थे, इस विद्याओं के अंदर चार वेद थे। जी, चार वेदों के नाम हैं, एक तो पहला जो है, कौन से वेद थे, तो चार वेद थे, उसमें एक वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, अथर्ववेद, और एक और वेद है जिसका नाम है सामवेद। यानी कि चार वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और षट वेदांगानी, षष्ठ वेदांगानी यानी कि छह वेदों के अंग थे, वेदांग के जो अंग थे उसके अंदर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र, ये सारे जो थे वो उसके अंग थे। अब उसके साथ न्याय, मीमांसा यानी कि कल्प, अब स्मृति, न्याय, मीमांसा, स्मृति, उसी के बाद जो है पुराण, न्याय शास्त्र, मीमांसा दर्शन, स्मृति दर्शन यानी कि धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, अथर्ववेदादि।
चार उपवेद हैं और अथर्ववेद, उसके उपरांत यहाँ पे चार वेद उपवेद दिए गए हैं जिनका भी समावेश इसमें किया गया है, जिनको भी समाविष्ट इसमें ही किया गया है। तो चार यहाँ पर जो दिए गए हैं, चार उपवेद का भी उसमें समाविष्ट किया गया है, यानी उसको भी यहाँ पर इसके अंदर उसका समावेश कर दिया गया है। तो जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि अमोंग देम वेर इंक्लूडेड द फोर वेदास, सिक्स वेदांगास, पुराणास, न्याया, मीमांसा, स्मृतिस, आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा, अथर्व वेदा एंड द फोर उपवेदास। उसके बाद है ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदं केंद्रं सज्जातम्, ख्रीस्तस्य चतुर्थ्या शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंदस्वामी सज्जातः। अब यहाँ पर है ततः, उसमें भी बौद्ध दर्शनस्य यानी बौद्ध का दर्शन, बौद्ध दर्शन शास्त्र। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बौद्ध का धर्मशास्त्र है वो उसके बाद है जैन दर्शनस्य यानी जैनों का दर्शन का होता है वो, और इदम केंद्रम सज्जात, इनको केंद्र में रखा गया है। तो ट्रांसलेशन है कि लेटर दिस बिकम द सेंटर ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ख्रिस्तस्य चतुर्थ्या शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकार स्कंद स्वामी सज्जात। यानी कि उसके बाद जो है इन द फोर्थ सेंचुरी, जो फोर्थ सेंचुरी थी उसमें स्कंद स्वामी एंड कॉमेंटर ऑफ ऋग्वेद लाइव्ड, स अत्रेव अवसत, स अत्रेव अवसत यानी कि इसके अंदर यहां पर सब जैन और बौद्ध धर्म का जो शास्त्र था उसमें भी अध्ययन यहाँ पे चलता था, और यहाँ पर रुचि और बुद्धि के हिसाब से जो विद्यार्थी थे वो यहाँ पर पठन करते थे, अध्ययन करते थे। एतत् सूचयति यत् गुप्त काले अत्र वेदाध्ययन अपि प्रचलति स्म, और कह सकते हैं कि उसी समय में जो विद्यार्थी थे वो गुप्त रूप से यहाँ पर प्रवेश करके पढ़ते थे, और परीक्षा भी नहीं होती थी, परीक्षा यानी हमारी जो प्रवेश परीक्षा थी पहले वो भी होती थी, प्रवेश परीक्षा भी होती थी, अभी हमारी होती है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम, वैसे पहले भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करती थी, तब उसे पास करके विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था। यानी कि देखो यहाँ पर कहा गया है कि स्थिति गुणमति जैनाचार्य श्रीमल्लसूरी च अत्रैव विद्या व्यासंगः कुर्वन्ति स्म, और सुप्रसिद्ध जो थे यहाँ पर जो राजा थे यानी सॉरी स्थिरमति और गुणमति जैन आचार्य श्रीमल्लवादी सूरी जो थे वो भी यहाँ पर ही अभ्यास करते थे। यानी कि जो ये बहुत ही फेमस पर्सन हो गए वो भी वहाँ पर अभ्यास कर चुके हैं। तो उसका ट्रांसलेशन होता है ही लिव्ड हियर ओनली, दिस इंडिकेट्स दैट इन द गुप्त पीरियड इवन द स्टडी ऑफ वेदास वॉज गोइंग ऑन, इन द फोर्थ सेंचुरी ओनली द वेरी फेमस बुद्धिस्ट टीचर स्थिरमति एंड गुणमति एंड जैन टीचर श्री मल्लवादी सूरी
वेयर स्टडिंग हियर ओनली, तो इन सब ने भी यहाँ पर स्टडी की हुई है। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 14 जो है वो फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स हम आगे का पेज जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।